है हीट, मतलब इस टॉपिक में हम लोग हीट से रिलेटेड इशू पे डिस्कशन करने वाले हैं। क्लियर। सबसे पहला सवाल होता है सर हीट एक्चुअली में क्या है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। ठीक है, तो इसको हम लोग स्टार्ट करने से पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज जान लो। ठीक है, आपको पता होगा अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। तो अभी तक हम लोग सिर्फ यही जानते हैं कि अगर आप किसी सिस्टम का एनर्जी चेंज करना चाहते हो, ठीक है, मैं चाहता हूं किसी सिस्टम का एनर्जी चेंज करना, तो अभी तक आपको सिर्फ एक बात पता है कि वर्क ही एक तरीका है। अभी तक आपको यही लगता था कि वर्क ही एक तरीका है जिसके हेल्प से आप किसी भी सिस्टम में एनर्जी का चेंजेस कर सकते हो। लेकिन आज के बाद से आपको एक और नया चीज पता चल जाएगा। आज के बाद से आपको पता चलेगा कि अगर आप किसी सिस्टम का एनर्जी चेंज करना चाहते हो तो वर्क के अलावा एक और मेथड है। समझ में आया? और वो मेथड है हमारा हीट। क्लियर। मतलब आज के बाद से हम ये बात मानने के लिए तैयार हैं कि किसी भी सिस्टम का एनर्जी चेंज करने का सिर्फ एक तरीका नहीं है वर्क, ठीक है, एक और तरीका है हीट। क्लियर। अब मैं आपको बताता हूं हीट को कुछ लोग थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो याद रखना वर्क एक प्रोसेस है कि नहीं, वर्क एक प्रोसेस है, याद रखना वर्क क्या है, एक प्रोसेस है जिसके हेल्प से क्या होता है, एनर्जी में चेंजेस आता है। सिमिलरली हीट भी एक तरह का मैकेनिज्म है जिसके हेल्प से आप किसी भी सिस्टम में एनर्जी में चेंजेस ला सकते हो। तो अब ज्यादातर लोग हीट को एनर्जी से कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, मुझे लगता है ठीक है, चलेगा चलेगा, लेकिन दौड़ेगा नहीं। हीट को आप एनर्जी मान सकते हो लेकिन 100% तरीके से नहीं बोलो, क्योंकि जो आप एनर्जी बोलते हो और हीट जो बोलते हो दोनों की थोड़ी सी फील अलग आती है। तो पहले ये समझो कि एनर्जी और हीट में थोड़ी सी डिफरेंस क्या है, ये थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली हीट जो है वो एनर्जी का ट्रांजिट फॉर्म है, मतलब आवागमन वाला फॉर्म, हीट एनर्जी का ट्रांजिट वर्जन है। क्लियर, जिसमें क्या होता है, हीट जो होता है वो सिर्फ आवागमन के फॉर्म में यूज होता है। कुछ लोग मुझे ये बोल सकते हैं सर उतना फील नहीं आया, ट्रांजिट फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हीट बेसिकली क्या है, हीट इज अ ट्रांजिट फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट जो है वो एनर्जी नहीं है, वो एनर्जी का ट्रांजिट फॉर्म है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर तो हीट एनर्जी कैसे नहीं हुआ, मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा ध्यान दो, हीट एनर्जी ही है, लेकिन जब भी कोई हीट बोले और कोई बोले एनर्जी, दोनों में थोड़ी सी अंतर है। अब ये अंतर को कैसे क्लियर करना है ये समझो, क्या इसको क्लियर करना चाहोगे कि व्हाट इज स्लाइट डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिट एनर्जी एंड एनर्जी, क्या ये थोड़ा सा चीज क्लियर करना चाहोगे, क्या थोड़ा सा चीज क्लियर करना चाहोगे? बहुत अच्छी, अगर आप इस चीज को क्लियर करना चाहते हो तो बहुत मजा आएगा, दिखाता हूं मैं कैसे, थोड़ा सा फील करेंगे। हम इस गेम को समझने के लिए एक एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं। ठीक है ना, तो आप ऐसा सपोज करो, मान लो कि आपके पास मान लो एक तालाब की हम बात करते हैं, तो अगर आप इस तालाब को बहुत ध्यान से देखो तो इस तालाब में क्या है, पानी जमा है ना। सो बताओ इस तालाब में क्या जमा है, पानी। अरे बहुत समझ में आया, तो हम कहेंगे ये वाटर। समझ में आया, तो देखो वाटर क्या है, समझो बात को, हाँ वाटर H2O है, और क्या है, H2O। तो वाटर यहाँ पे है, मैं कहूंगा तालाब में पानी है, बात समझो, तो तालाब में क्या जमा है, पानी जमा है। तो तालाब यहाँ पे हो गया सिस्टम और उसके अंदर पानी को आप एनर्जी जैसे समझो, तो तालाब में क्या जमा है, पानी। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि इस पानी को इंक्रीज किया जाए या डिक्रीज किया जाए, तो बेटा आपको पानी ही देना होगा, बात समझिए, है ना। तो एनर्जी को इंक्रीज और डिक्रीज एनर्जी के ही तरीके से कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि इस तालाब में पानी को बढ़ाया जाए या घटाया जाए तो पानी ही देना होगा। एक तरीका क्या है, जरा फील करना तो मजा आ जाएगा। मान लो यहाँ पे समझ में आ रहा है ना, सावन का महीना आया, मोर झूम के नाचे और बारिश जम के हुई। सोचो यहाँ पे बेटा जम के बारिश हुई और ये हमारे पानी, समझो बात को। अच्छा एक बात बताओ, ये भी तो पानी है। अच्छा रियलिटी में ये भी तो पानी है, ये भी तो पानी है, लेकिन इस पानी को हम पानी नहीं कहते, इसे हम कुछ नया नाम देते हैं, क्या बोलते हैं, बारिश, है ना, रेन, हम इसे क्या बोलते हैं, रेन। अब एक बात बताओ तो फिर अंतर क्या हुआ, जरा समझने की कोशिश करो, समझो रेन भी बेसिकली वाटर ही है, लेकिन जैसे ही कोई बोलता है बारिश हो रही है, आपके दिमाग में तुरंत एक बात समझ में आता है कि बेटा पानी का फ्लो हो रहा है, समझ में आ रहा है ना, ऊपर से नीचे की तरफ, बात समझने की कोशिश करो,
क्या बात, कुछ कुछ भेजे में गई। और ये रेन तब तक रेन है जब तक इस बाउंड्री में ये नहीं, देखो रेन जो है ये तब तक रेन है जब तक इस बाउंड्री, ये सिस्टम का बाउंड्री है, तो बाउंड्री के इधर ये रेन है, समझ में आया ना, बाउंड्री के इधर ये रेन है, लेकिन जैसे ही ये बाउंड्री के अंदर एंट्री मार, समझ में आ रहा ना, लेता है, बताओ ये किस में बदल जाता है, पानी में बदल जाता है। अब आप इसी रेन को जैसे ये बाउंड्री के अंदर बदल गया, आप इसी रेन को क्या कहते हो, वाटर। तो आप कह सकते हो रेन क्या है, अरे बेसिकली रेन वाटर ही तो है, रेन बेसिकली वाटर ही तो है, लेकिन हम ये बात को क्लियर करने के लिए थोड़ा सा अंतर रखते हैं, समझ में आया। हम कहते हैं रेन को आप कह सकते हो ट्रांजिट फॉर्म ऑफ वाटर, रेन बेसिकली क्या है, ट्रांजिट फॉर्म ऑफ वाटर। तो जैसे ही किसी ने बोला रेन, आपके दिमाग में तुरंत एक बात समझ में आ जाती है कि बेटा ये फ्लो कर रहा है और कहीं का लेवल में चेंजेस ला रहा है। सिमिलरली जैसे ही किसी ने बोला हीट, अब फील करो, तो एक चीज हमेशा याद रखना, गैस स्टॉप में यहां पे एनर्जी है, फील करो, तो जब तक ये सिस्टम के अंदर है एनर्जी है, ठीक है, और ये आपका मान लीजिए वाटर है। अब जरा सोचो आप चाहते हो कि ये एनर्जी यहां से यहां जाए, डायरेक्ट कैसे जाएगा ये एनर्जी, समझो बात को। तो अब आप इस एनर्जी को फ्लो करवाना चाहते हो तो आप आग लगाते हो और आप बोलते हो ये आपका हीट है, क्या ये बात समझ में, तो आप बोलते हो इसे हीट, यही एनर्जी यहाँ पे हीट कहला रही है, जैसे यही वाला यहाँ पे H2O यहाँ पे रेन कहलाता है, फिर यहाँ पे पानी कहलाता है, सिमिलरली यही वाली एनर्जी यहाँ पे हीट कहला रही है, बोल समझ में आया, यही वाली एनर्जी यहाँ पे हीट कहला रही है, समझ में आ रहा है। और हीट कह रहा है मतलब ये अभी इस सिस्टम में भी नहीं है, इस सिस्टम में भी नहीं है, बेचारा धोबी का कुत्ता है, ना घर का है ना घाट का है, बीच में अटका पड़ा है और कहीं जा रहा है, मतलब ये कोशिश कर रहा है चाहे घर में जाए या घाट में जाए, समझने की कोशिश करो, क्लियर। तो ये हुआ आपका ही, लेकिन जरा ध्यान से देखो, जैसे ही इस बाउंड्री के अंदर फिर एंट्री मारती है, समझ में आया ना, फिर ये हीट आप इसे एनर्जी कहने, क्या ये बातें समझ में है। तो हीट भी बेसिकली क्या है, एनर्जी ही है, लेकिन हीट एनर्जी का कौन सा वर्जन है, ट्रांजिट वर्जन है। क्या ये बात फील आ गई, क्या ये बात सबको फील आ गई, एक बार प्लीज यस सर बोलिए, अब अच्छे से समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूं, क्या ये बात समझ में आ गई। तो हम लोग का जो फ्लो ऑफ स्टडी है वो क्या होने वाला है पूरे थर्मोडायनेमिक्स में, ये बात समझ में आ गया। अभी हम पहले जैसे वर्क को तो हम पहले पढ़ चुके हैं, वर्क क्या है, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हीट क्या है, आज हम अभी हम लोग पढ़ने वाले हीट क्या है, इसको मेजर कैसे करते हैं, हीट का फ्लो होता है तो कैसे ट्रांसफर होता है, और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो हीट का पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकालेंगे, फिर हम देखेंगे कि हीट और वर्क दोनों एनर्जी को किस तरह से चेंज करते हैं, ये हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, क्लियर। और फिर जब हमें यह बात क्लियर हो जाएगा तो फिर दिमाग में एक सवाल जरूर आएगा कि हीट और वर्क में क्या डिफरेंस है, फिर दिमाग में एक सवाल जरूर आएगा कि सर दोनों एनर्जी चेंज करता है तो फिर इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो जब बात आ जाती है डिफरेंस पहचानने की, जब बात आ जाती है आप एक दूसरे को पहचानना शुरू करने की ना, एनर्जी को पहचानने की कोशिश करने लगते हो, हीट को पहचानने की कोशिश करने लगते हो, वर्क को पहचानने की कोशिश करने लगते हो, दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करना चाहते हो, तब फिर आ जाएगा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो यही हमारा फ्लो पैटर्न है, क्या ये सबको समझ में आ गया, क्या ये सबको समझ में आ गया, पूरा फील आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो फ्लो पैटर्न भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मेरे दिमाग में एक बात तो समझ में आ गई कि हम लोग को हीट के रिगार्डिंग वाले चीजें पढ़ने हैं, ये बात तो मैं समझ गया, लेकिन अब एक और इंटरेस्टिंग सवाल क्या होता है, ध्यान से सुनो, हीट के बारे में पढ़ना है तो हमें हीट से रिलेटेड हर चीज पढ़ना चाहिए, हीट से रिलेटेड हर चीज पढ़ना चाहिए। अब सवाल है हीट से रिलेटेड हमें कैसे पढ़ना है, ये है हमारा मेन मुद्दा, क्या ये बात सबको समझ में आ गया, हमें हीट से रिलेटेड कैसे डिस्कस करना है, ये हमारा मेन मुद्दा है, ठीक। तो देखो पहले ये समझो कि हीट को, सबसे पहला बात तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि हीट को हम मेजर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, हीट को हम मेजर करने की कोशिश करेंगे, जो कुछ लोग थोड़ा बोरिंग मानते हैं, लेकिन मैं आपको यकीन बताता हूं ये भी मजेदार है। मेजरमेंट जब भी नाम आता है ना लोग डर जाते हैं, लोग बोरिंग मानना शुरू कर देते हैं, जबकि सच ये नहीं है। तो हम लोग हीट को पहले मेजर करना शुरू करेंगे और यकीन मानो आपको कुछ भी क्लियर नहीं है, वो सब मैं सब एक एक करके धीरे धीरे क्लियर कराता जाऊंगा, मतलब मैं अपना आइडिया आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है, मैं भी कोई बहुत बड़ा तोप हूं ऐसा नहीं है, समझो बात को। तो हम लोग एकदम शेयर करेंगे, लेकिन हाँ आप एक एक चीज को क्लियरली देखो तो एक एक चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है।
तो चलो सबसे पहले ये समझेंगे कि ठीक है सर, हीट से रिलेटेड बातें आप बोले हैं कि बताएंगे, तो पहले हम लोग क्या क्या चीज पढ़ने वाले हैं हीट से रिलेटेड, ये चीज को थोड़ा सा डिस्कस करें। तो सबसे पहले हम ये पढ़ने की कोशिश करेंगे कि हीट को मेजर कैसे करते हैं। भाई जिसके साथ आपको थर्मोडायनेमिक्स में इन्वॉल्व होना है तो पहले उसके बारे में जानना होगा, तो पहले आप हीट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो जब आप हीट के बारे में डेप्थ में जानने की कोशिश करेंगे तो पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम हीट को मेजर कैसे करते हैं, ठीक है। फिर हम अगर ये अच्छे से समझ गए तब हम समझने की कोशिश करेंगे कि हीट का ट्रांसफर कैसे होता है। जैसे मैंने क्या बोला, हीट चलती भूलती एनर्जी है, चलती फिरती एनर्जी है ना, हीट बंजारे वाली एनर्जी है, ऐसी एनर्जी जो बंजारन होती है, समझ में आ रहा है ना। तो हीट समझ में आ रहा है ना, क्लियर, चलती भूलती एनर्जी है। तो अब सवाल है कि अगर ये चलती भूलती एनर्जी तो कैसे चलती है ना, कितने मेथड से चल सकती है। तो हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर, समझ में आ गया होगा तो हम लोग कैसे डिस्कस करने वाले। तो देखो हीट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हीट के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो पहले हम लोग समझेंगे मेजरमेंट, क्या पढ़ेंगे हम लोग, मेजरमेंट ऑफ हीट, समझ में आया, मेजरमेंट मतलब हीट को मेजर कैसे करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रांसफर ऑफ हीट। अगर हीट ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरे जगह, ये एक ऐसा ऑफिसर है जो रुक नहीं सकता, हीट एक ऐसा ऑफिसर का नाम है जो रुक नहीं सकता, इसका लगातार बदली होते रहेगा। तो जब बदली होगा तो ये कैसे बदली करके जा सकता है, एक जगह से दूसरे जगह कैसे जा सकता है। जैसे आदमी एक जगह से दूसरे जगह बाय बस जा सकता है, बाय ट्रेन जा सकता है, बाय एरोप्लेन जा सकता है, तो बहुत सारे तरीके से जा सकता है। उसी तरह हीट एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कितने मेथड से जा सकता है, तो उसे हम पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ हीट मैकेनिज्म में। क्या ये बात समझ पाए। और अगर इस सब से मन भर गया तो, और नहीं भरा तब तक हम लोग यहीं पे रहेंगे, टेंशन मत लो, ये टॉपिक लंबा चलने वाला है, इसलिए तो मैंने इसको मॉर्निंग शिफ्ट में रखा है, क्लियर। जो चीज भी लंबा चलेगा उसे मॉर्निंग शिफ्ट में डिस्कस करने वाले, याद रखना। मतलब इसमें कोई नहीं रोएगा, कोई नहीं गाएगा कि सर स्लो है, कोई नहीं बोलेगा कि सर फास्ट है, बेटा बोलेगा ग्रुप से बाहर कर, ठीक है। आप सिर्फ ये बोलो कि आपको डाउट कहां होता है, ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे। अगर इससे मेरा मन भर गया, मुझे लगा कि हम लोगों की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई, तब जाके हम पढ़ेंगे कि हीट का असर क्या है ना, हीट क्या कर सकता है। बेटा किसी आदमी को जिंदा जला सकता है, याद रखना, मेरा कहने का मतलब समझो। तो हीट के भी खतरनाक कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर सेफली हैंडल नहीं करोगे तो। तो हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ हीट, हीट का असर, ये हमारा तीसरा पॉइंट हो सकता है। तो हम लोग इस तरह से हीट के रिगार्डिंग तीन सेगमेंट को डिस्कस करेंगे। और बेटा ये मत सोचना कि ये तीन सेगमेंट बहुत छोटे हैं, ठीक है, आपको गलत पहनी का शिकार है। थर्मोडायनामिक सबसे लंबे सेगमेंट में से एक है, अगर डिटेल से पढ़ोगे तो, और अगर शॉर्ट में पढ़ेंगे तो जैसे तैसे निकल सकते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई, अच्छे से समझ में आ गया, क्लियर हो गया, ठीक है। तो देखो, हाँ ठीक है, ये बात तो हम लोग को समझ में आ गया। तो चलो हम लोग पहले हीट को मेजर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हमारा पहला सेगमेंट होगा हीट को मेजर करने की, मतलब हम इसे बोलेंगे क्वांटिटेटिव, समझ में आ रहा है ना, मेजरमेंट ऑफ हीट। देखो हीट को फील तो हर कोई करता है, ये बात तो तय रखना, हीट को फील हर कोई करता है, ठंडा का दिन आ गया हीट को तो हर कोई फील कर रहा है। लेकिन हम लोग हीट को फील करने के साथ साथ हीट को मेजर करने की कोशिश करेंगे, कोई ऐसा फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करेंगे जिससे हीट को हम माप सके, मेजर कर सके कि बेटा ये कितनी वैल्यू है। जब आप किसी को नंबर देने की सोचने लगते हो, किसी के साथ नंबर अटैच करने की कोशिश करने लगते हो, तो हम उसे बोलते हैं क्वांटिटेटिव, ठीक है, नंबर गेम से समझने की बात है। तो हम लोग हीट के क्वालिटेटिव चीज को भी समझेंगे और हीट के क्वांटिटेटिव चीज को भी समझेंगे। तो सबसे पहला पार्ट है हमारा क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ हीट, ये हमारा टॉपिक है। सो लिख लो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ हीट, मैं लिखने वाला नहीं, तुम लिख लो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, चलो सबसे पहले यही चीज हम लोग को समझना है। अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर हीट को मेजर कैसे करेंगे, हाँ तुम्हारे दिमाग में तो बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन आ रहा होगा, हीट को मेजर कैसे किया जा सकता है सर। तो मैं आपको बताता हूं कैसे, ध्यान से सुनना, रट्टा मत मारना, फील करना। जब आज आप सोचो, जब आप किसी सिस्टम को लेते हो, फील करो, ठीक है, जब आप किसी सिस्टम में लेते हो तो ज्यादा हीट की जरूरत किसे पड़ती है, जरा फील करना। मान लो कि आप एक कंटेनर में, मान लो आपने गैस ऑन किया, मान लो आप गैस ऑन की,
जितना देर आपका गैस का बर्नर ऑन रहेगा हम कहेंगे कि उतना देर उसमें हीट सप्लाई हो रहा है, यस या नो? अरे बताओ, जितना देर आपका बर्नर ऑन रहेगा हम कहेंगे हीट उसके प्रोपोर्शनल है। मैं ऐसा कह सकता हूं और आप भी ऐसा कह सकते। अब जरा सोचो, तो एक बार बताओ, एक बार मैंने जरा फील करना, 1 kg पानी गर्म किया, फिर मैंने 2 kg पानी गर्म किया, मैं दोनों को गर्म करना चाह रहा हूं, बताओ ज्यादा हीट की जरूरत किसमें पड़ेगी, 1 kg वाले में या 2 kg वाले में? मैं दोनों पानी को गर्म करना चाहता हूं और सेम टेम्परेचर तक, तो बताओ ज्यादा हीट की जरूरत किसमें पड़ेगी, 2 kg वाले? मतलब मेरा एक कॉमन सेंस तो ये कहता है फील करना, लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा क्या है यहां पे, मैं दोनों को सेम गर्म करना चाहता हूं, याद रखना, मतलब दोनों में सेम टेम्परेचर राइज करना चाहता हूं। ऐसा भी तो हो सकता था कि 2 kg को हल्का गर्म करना चाहते हैं और 1 kg को बड़ा उबालना चाहते हैं, तब फिर कुछ कहा नहीं जा सकता है, समझो बात को, फिर आप कुछ कह नहीं सकते। हाँ, दोनों को अगर सेम गर्म करना है तो मुझे एक बात तो कंफर्म समझ में आती है कि ज्यादा हीट उसमें लगेगा जिसमें ज्यादा मास होगा। तो एक चीज तो मैं क्लियर कह सकता हूं, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। मैं ये बात कह सकता हूं, यानी मैं ये बात कह सकता हूं कि जितना ज्यादा हीट की जरूरत पड़ेगी, समझ जाना, उतना ज्यादा मास है। सो मैं कह सकता हूं हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, लेकिन तभी ये फॉर्मूला वैलिड होगा, तभी आप इसको वैलिड करना, तभी आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हो जब दोनों को सेम गर्म करना है ना। किसी ने बोला कि मुझे 5 kg पानी गर्म करना है, किसी ने मुझे बोला 10 kg पानी गर्म करना है, ज्यादा हीट की कहां जरूरत होगी, गर्म करना है मतलब दोनों को सेम गर्म करना है, तब आप कहोगे 10 kg में मुझे ज्यादा हीट की जरूरत है, समझ गया। इसी कारण से तुम देखना, घर में खाना बनाते हो और पार्टी में जो खाना बनता है, ज्यादा हीट की जरूरत कहां पड़ती है, तो खाना तो वही बन रहा है मोटा मोटी, तो हीट की ज्यादा जरूरत पड़ती है पार्टी में, इसलिए देखना 2-4 सिलेंडर पहले से ही रख के बैठ जाते हैं, क्योंकि वहां क्वांटिटी ज्यादा है, मास ज्यादा है, समझ गए, एक बात को क्लियर हो गई, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला तभी लगाना जब टेम्परेचर का चेंज कांस्टेंट रखा जाए, ठीक है। एक और चीज सोचो, हीट को जो सिंबल यूज करते हैं क्यू, हीट का जो सिंबल यूज करते हैं क्यू, समझ में आया, और चार्ज का भी सिंबल होता है क्यू। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ऐसा कैसे हो गया, दोनों सिंबल सेम मिला दिया गया है, इसके पीछे भी थोड़े सा लॉजिक है, वो सब भी हम आने वाले समय में सब कुछ डिस्कस करेंगे। मैंने पहले बोला एक एक पिन पॉइंट को हम लोग समझेंगे। तो हीट का जो सिंबलिक नोटेशन है वो क्यू, तो समझ जाना जब भी आप थर्मोडायनेमिक्स में क्यू देख लो, समझ जाना वो हीट है, समझ में आया, क्लियर। अच्छा, अब एक बात बताओ, ठीक है ये बात तो समझ गए। अगर जरा सोचो, आपने सेम मास लिया 1 kg, इसमें भी 1 kg, इसमें आपने क्या किया, 10 डिग्री से सिर्फ 30 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म किया, इसमें 10 डिग्री से लेकर 90 डिग्री गर्म किया, अब बताओ ज्यादा हीट की जरूरत किसमें पड़ेगी, लॉजिक से बताइए, अब बताओ ज्यादा हीट की जरूरत किसमें पड़ेगी, लॉजिक से बताइए, पहले वाले में या सेकेंड वाले में? तो अब आपको सेकेंड वाले में ज्यादा हीट की जरूरत पड़ेगी, ऐसा क्यों, आपको ऐसा क्यों लग रहा है सेकेंड वाले में ज्यादा हीट की जरूरत पड़ेगी? क्योंकि अब मेरा कॉमन सेंस कहता है कि बेटा दोनों में मास तो सेम है, दोनों में मास तो सेम है, तो जिसमें ज्यादा टेम्परेचर राइज करेगा हम कहेंगे कि उसमें ज्यादा हीट की जरूरत पड़ेगी। मतलब अगर आपने मास सेम रखा तब हम ये कह सकते हैं हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टी, उस समय मास को सेम रखेंगे तभी आप ये बात बोल सकते, क्या क्लियर हो गया? तो देखो आपको आज प्रोपोर्शनैलिटी की भी फीलिंग डेवलप होगी कि फिजिक्स में प्रोपोर्शनैलिटी का रियल मतलब क्या होता है। अगर आज तक आपने प्रोपोर्शनैलिटी को नहीं समझा तो ये बड़ा अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है प्रोपोर्शनैलिटी को भी साथ में समझे, क्या ये बात सबको समझ में आई? सो मैं ये बातें कह सकता हूं, क्या ये पूरा क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को तभी यूज कर सकते हो, इस फॉर्मूले की लिमिटेशंस क्या है, इसको तब लगा सकते हो जब सेम गर्म कर रहा हूं, इसको तब लगा सकते हो जब सेम मास हो, क्लियर। अच्छा एक बात बताओ, समझ में आया कि नहीं आया, जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूं, अभी एक एक चीज हम लोग डिस्कस करें। मान लो मैंने बोला कि यहां पे भी 2 kg पानी, मैंने यहां पे भी बोला 2 kg पानी, ठीक है, तो बताओ, और मैंने बोला ज्यादा हीट की जरूरत किसमें पड़ेगी, तो बताओ मैं कौन से फॉर्मूले का यूज करूंगा, मैं किसका यूज करूंगा, 1 या 2, बताओ ज्यादा हीट की जरूरत किसमें पड़ेगी, मैं किसका यूज करूंगा, 2 का यूज करूंगा, समझ में, क्योंकि इस बार मास सेम है तो हमें यह देखना होगा कि ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत किसमें है, ज्यादा टेम्परेचर राइज हम किसमें करना चाहते हैं, हम जिसमें ज्यादा टेम्परेचर राइज करना चाहेंगे हम ये बात करेंगे। लेकिन जरा सोचो, अगर मैंने बोला 2 kg, मैंने बोला 5 kg, ठीक है, तो देख, एक सेकेंड मुझे चेक कर लेने दो, ठीक है। तो देखो यहां पे मैं बात कर रहा था 2 kg 5 kg,
अगर एक बात बताओ, मैं यहाँ पे भी 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज करना चाहता हूँ, यहाँ पे भी 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज करना चाहता हूँ, अब बताओ मैं कौन से फॉर्मूले का यूज करूंगा, अब बताओ मैं कौन से फॉर्मूले का यूज करूंगा, पहले वाले का या दूसरे वाले का? समझ में आ रहा है? क्लियर? तो इस बार मैं यूज करूंगा पहले वाले का। मजा आ गया होगा, मतलब आप तब आराम से बता सकते हो कि ज्यादा हीट की जरूरत किसमें पड़ेगी, चाहे मास कॉन्स्टेंट ले लो या टेम्परेचर का राइज कॉन्स्टेंट ले लो, तब तो आप आसानी से बता सकते हो। और ये हर कॉमन मैन भी बता सकता है, जो थोड़ा सा भी कॉमन साल्ट खाया है पूरी जिंदगी में वो बता सकता है। तो सवाल तो ठीक है सर, लेकिन कहानी में ट्विस्ट कब आ जाती है ये देखो, अब मजा क्या आएगा जरा ध्यान से, अब मजा क्या आएगा ध्यान से। अगर मान लो मैंने 2 केजी वाटर ले लिया, मान लो मैंने 3 केजी वाटर ले लिया, और इस बार मैंने डेल्टी रखा, इस बार मैंने डेल्टी रखा 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस बार मैंने इसमें डेल्टी रखा 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मेरा सवाल ये उठता है कि ज्यादा हीट की जरूरत किसमें पड़ेगी? अब सोचो ज्यादा हीट की जरूरत किसमें पड़ेगी, इसमें ज्यादा हीट सप्लाई किया जा रहा है या इसमें? अब सोचो मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूं, क्योंकि बेटा ये काम नहीं करने वाला, इस बार मास भी कॉन्स्टेंट नहीं, इस बार डेल्टी भी कॉन्स्टेंट नहीं। तो इस फॉर्मूले की लिमिटेशन है, आप अगर पहले वाले को यूज करोगे ये लिमिटेड है, आप दूसरे वाले को यूज करोगे ये लिमिटेड है, तब मुझे अब क्या करना होगा, मतलब इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करना होगा, मुझे कुछ ऐसा सोचना होगा कि जब मास भी अलग हो और टेम्परेचर भी अलग हो तब काम करे। अब मुझे इन दोनों को कंबाइन करने की जरूरत है, क्योंकि मुझे पता है अगर मास ज्यादा लगेगा तो ज्यादा हीट चाहिए, ज्यादा टेम्परेचर राइज मतलब ज्यादा हीट चाहिए। तो अगर आप इन दोनों को कंबाइन करोगे तो इस प्रोपोर्शनैलिटी को मैंने लिख दिया m इंटू डेल्टी। समझ में आ गया? तो मैं लिख सकता हूं m इंटू डेल्टी। ये फॉर्मूला अब हर चीज के लिए वैलिड है। जरा फील करो, कुछ लोग बोलेंगे कि सर एक सेकंड, आज तुम्हें एक और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। कुछ लोग ये मुझसे पूछ सकते हैं कि सर प्रोपोर्शनैलिटी हटा के आपने इक्वल क्यों नहीं रखा? तो एक चीज याद रखना, इक्वल साइन तभी रखे जाते हैं जब आप ये कॉन्फिडेंस में आ जाओ कि इसके अलावा और किसी चीज पे डिपेंड ना करें। जैसे अगर मैं हीट इक्वल लिख देता तो फिर इसका मतलब ये होता कि हीट सिर्फ मास और डेल्टी पे डिपेंड करता है। अगर मैं इक्वल लिख देता तो मैं सिर्फ ये कहता हीट मास और डेल्टी पे डिपेंड कर रहा है। समझो, कॉन्स्टेंट को भी रखने का एक तरीका होता है, कॉन्स्टेंट को भी रखने का एक तरीका होता है। ये आज क्लियर हो जाएगा, मतलब आप एक तीर से कितने शिकार कर सकते हो आपको खुद पता नहीं चलेगा। ठीक है, सो ये हो गया Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m डेल्टी। समझ में आया? अब अगर आपको मास अलग है डेल्टी अलग है तब आप दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए, आप दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ज्यादा हीट की जरूरत किसमें है। तो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे सो देखिए 2 इंटू दैट इज 40 और ये कितना होगा 3 इंटू 30, सो दिस इज 90 एंड दिस इज हाउ मच 80। क्या ये बात समझ में आ गई? तो देखो ज्यादा हीट की जरूरत इसमें है, भले ही इसका मास ज्यादा था इसमें टेम्परेचर कम था, लेकिन मास के कारण ये सिचुएशन वन को समझ में आ रहा है ना, अंडरएस्टिमेट कर दिया, तो ज्यादा हीट की जरूरत 2 में पड़ी। बात समझ में आया? क्लियर? क्या कुछ कुछ बातें पी लें? एक सवाल उठता है, अब आपके दिमाग में एक और सवाल उठ रहा होगा, मजेदार बात क्या, ध्यान से। अब मैं आपको एक बड़ा लॉजिकल चीज बताने जा रहा हूं, शायद आपको फील आ जाए तो वाह सर बोलना, पर नहीं आए तो कोई बात नहीं, जरा ध्यान से सुनना। अब मेरे दिमाग में एक सवाल आता है कि इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के कांस्टेंट रखना की जरूरत होती है। अब फिजिक्स में लोग बोलते हैं कांस्टेंट कैसे डिसाइड किया जाए, तो आपने एक चीज ध्यान दिया, अगर आप इन दोनों चीजों को गर्म कर रहे थे तो जरा सोचो यहां पे कोई चीज तो कांस्टेंट था। क्या चीज कांस्टेंट था, कोई मुझे बता सकते हो? यहां पे क्या कांस्टेंट था? मटेरियल कांस्टेंट था। जरा सोचो आप सेम टाइप के मटेरियल को गर्म कर रहे थे, यहां पे मटेरियल कांस्टेंट, आप सेम टाइप के मटेरियल को गर्म कर रहे थे ना। समझने की कोशिश करो, आप दोनों कंटेनर में मैंने पानी ही लिया, मतलब ये भी तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है ना कि आप किस चीज को गर्म करना चाहते हो। तो यहां पे दोनों मटेरियल कॉन्स्टेंट थे, इसलिए अगर आप यहां पे लिखते तो आप ऐसा कह सकते थे m इंटू डेल्टी तो है ही, दोनों का मासेस अलग है लेकिन दोनों का मटेरियल कॉन्स्टेंट है। अब मटेरियल के लिए क्या वर्ड लिखा जाए, मैं क्या वर्ड लिखूंगा, तो मैं मटेरियल के लिखता हूं c, जो बताता है कि आप किस तरह के चीज को गर्म करने की कोशिश कर रहे हो। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? मैं क्या लिखता हूं c, जो बताता है कि आप किस तरह के चीज को गर्म करने की कोशिश कर रहे हो। क्लियर? तो देखो q इज इक्वल टू एम सी डेल्टी। मुझे लगता है ये फील आ गया, थोड़ी सी फील आ गई। अब जरा सोचो, अब तुम बोलोगे एक बात बताओ, प्लीज थोड़ा सा ध्यान से सुनो,
तुमने यहां पे कंपैरिजन इसलिए आसानी से कर लिया क्योंकि सेम मटेरियल। अगर जरा सोचो यहां पे मैं फील करना, यहां पे मैं लेता लिक्विड वन, मैं यहां एक लिक्विड वन लेता, यहां पे दूसरा लिक्विड लेता, यहां पे मैं पानी ले लेता और यहां पे मैं मिल्क ले लेता, अब बताओ तो क्या ये फॉर्मूला सफिशियंट था? क्या ये फॉर्मूला सफिशियंट था इस बात को बताने के लिए कि ज्यादा हीट की जरूरत किसमें थी? नहीं, ये फॉर्मूला काफी नहीं पड़ रहा था। क्या ये बातें समझ में आ गई? क्या ये बातें समझ में आ गई? ये फॉर्मूला काफी नहीं पड़ रहा था, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि हम दो अलग अलग चीजों को गर्म कर रहे हैं। लेकिन अब तुम ध्यान से देखो, जब आप इस फॉर्मूले की तरफ देखोगे, समझ में आ रहा है ना, इस फॉर्मूले की तरफ देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि, समझ में आ रहा है ना, ये फॉर्मूला अब हर तरह के सिचुएशन के लिए वैलिड है। तो अगर अब आपको इसको इसके लिए पता करना है तो बताओ कौन सा यूज होगा, 1, 2, 3 या 4? अब बताओ कौन सा यूज होगा? अगर आप इस सिचुएशन के लिए हैंडल करना चाहोगे तो यूज होगा 4। 4 हर सिचुएशन के लिए यूजफुल है, 4 अब यूनिवर्सल फॉर्मूला जैसा बन गया। और मैंने अगर इक्वल ले आया तो मैं ये बात कंफर्म हो गया हूं कि अब हीट का कोई और किसी तरह से कोई लोचा नहीं है। जब आप एक कॉन्फिडेंस में आ जाते हो कि हीट की डिपेंडेंसी और किसी चीज पे नहीं है, अब हीट सिर्फ इन 3 चीज पे ही डिपेंड करता है, समझ में आया? पहला क्या कि आप कौन सा चीज गर्म करो, किस मटेरियल को गर्म करो, पहला। दूसरा इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कितना गर्म कर रहे हो, है ना, कितना मास। और तीसरा, समझ में, मास मतलब कितना ज्यादा गर्म कर रहे हो, ठीक है, और कितना टेम्परेचर बढ़ाना चाह रहे हो। देखो दोनों थोड़ा सा अजीब लगता है, कितना गर्म कर रहे हो तो थोड़ा सा सुनने में अजीब लगता है, कितना में दोनों आ सकता है, मास भी और कितना गर्म करो मतलब कितना टेम्परेचर राइज करो, दोनों आ सकते हैं, बात को समझिए। तो हीट जब भी आप किसी भी चीज में हीट सप्लाई करते हो वो 3 चीजों पे डिपेंड करता है, पहला कि वो क्या चीज गर्म कर रहे हो, कितना मास गर्म कर रहे हो और कितना टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हो। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द हीट, क्लियर? आप जब भी हीट को मेजर करना चाहें यही 3 फॉर्मूले टर्म्स पे डिपेंडेंट है, समझ में आ गया? मतलब अगर मैं लास्टली आऊं और मैं रैप अप कर दूं पूरे कहानी को तो एक बात को समझ में आता है, क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा, क्लियर? यहां पे एम क्या है, मास, कितना मास गर्म करो। सी बता रहा है कि आप क्या चीज गर्म करना चाह रहे हो, सी हर मटेरियल का अलग अलग होता है, क्लियर? और डेल्टी क्या है, समझ में आ रहा है, डेल्टी है चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में कितना बदलाव किया जा रहा है। क्या एक एक पॉइंट क्लियर हो गया? क्या एक एक पॉइंट क्लियर हो गया? सारे लोग एक बार कमेंट करो। देखो कुछ लोग एक बात बिल्कुल बोल रहे होंगे कि सर सी पे थोड़ा और डिस्कशन होना चाहिए क्योंकि सी ना बड़ा खास टर्म है, याद रखना ये सी अब आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। सी मतलब स्त्री नहीं, समझो बात, सी मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्लियर? अच्छे से समझना। तो अब हम लोग इस सी के साथ हम लोगों को हर जगह पे रहना है। अब इस सी को कहते क्या है, कोई मुझे बता सकता है? इस सी को कहा जाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, समझ में आया? सी को क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्लियर? सी को क्या कहते हैं, समझ में आ गया? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक क्यों वर्ड यूज किया गया है, क्योंकि हर मटेरियल का ये यूनिक होता है, स्पेसिफिक टू द मटेरियल, हर मटेरियल की सी अलग अलग होती है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर सी की फील क्या है, मैं तुम्हें बताता हूं नेचर का थैंक्स को, मतलब नेचर को भी मानना पड़ेगा भाई, मतलब नेचर में जितने भी, हाँ नेचर में तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें मजा आ जाएगा। नेचर में अगर सी कांस्टेंट होता, सी हर मटेरियल का सेम होता तो नेचर बड़ी अजीब सी होती, लेकिन सी अलग अलग होने के कारण, ठीक है, सी के अलग अलग होने के कारण नेचर में बहुत सारे फेनोमेनन राइज करते हैं, बहुत सारे फेनोमेनन होते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करेंगे सी का, पहले समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड सी, ये सी एक्चुअली में क्या है, ठीक है। सी बताता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मतलब क्या हुआ इसका, ये बताता है कि किसी भी मटेरियल की हीट को सहने की क्षमता कितनी है, ये बताता है किसी भी मटेरियल की हीट को सहने की क्षमता कितनी है। जैसे तुम सोचो, तुम देखोगे बहुत तरह के लोग हैं मार्केट में, बहुत तरह के लोग हैं, किसी को तुम गाली गलौज कर दो कुछ नहीं बोलेंगे और किसी को कुछ बोल दो वो वापस मारपीट करने लग जाते हैं। तो हर इंसान की सहन शक्ति अलग अलग होती है ना,
कुछ लोग तुरंत आग बबूला हो जाएंगे, ये समझना, कुछ लोग यार कितनों गाली कर दो, उसका काम है गाली देना, छोड़ो, समझने की कोशिश करो। अच्छा एक बात बताओ, ज्यादा मान लो मैंने दो लोगों को डांटा, मैंने आर्यन को भी डांटा और शशांक को भी डांटा, ठीक है, और मान लो आर्यन पूरा आग बबूला हो गया और शशांक एज यूजुअल है, कैजुअल है, कोई टेंशन नहीं, अरे कौन डांटा गुरुजी, नहीं तो डांटा, बताओ किसकी कैपेसिटी आपके ज्यादा महसूस होती है, पढ़ा चलो किसकी सी ज्यादा महसूस होती है, शशांक की या आर्यन की, शशांक की कैपेसिटी ज्यादा है, मतलब जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होता है वो ज्यादा एब्जॉर्ब करके भी ज्यादा शो नहीं कर सकता, जस्ट लाइक गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध की कैपेसिटी बहुत हाई थी, गौतम बुद्ध क्या कहते थे कि अपनी कैपेसिटी हाई रखो, कोई कुछ भी बोले आप जैसे थे वैसे रहो, तो सी ज्यादा होने से आपका लाइफ बहुत आसान हो सकता है, इसलिए अपने लाइफ में सी को ज्यादा से ज्यादा अपनाओ। कुछ लोग बोलेंगे थोड़ा और फील करेंगे, और एक बात बताता हूं, अब मैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए और एग्जांपल बताता हूं, ठीक है, उसके बाद समझ में सारा खेल आ जाएगा। अब आपको मैं बताता हूं सी का और मतलब क्या होता है, मान लीजिए आप अपने घर में दो लोगों को खाना खाने के लिए बुलाए, अब मैं खाना खिलाऊंगा तो मुझे पता है डकार आएगा, खाना और डकार को आप एक जैसे मानिए, खाना मतलब हीट, देखो खाना का मतलब हीट और डेल्टी ये बता रहा है कि कितना उसका पेट भर रहा है, डकार है ना। अब मान लो मैंने अपने घर पे दो लोगों को बुलाया, समजीत और अमित को बुलाया खाने में, बेटा समझी तो खाया, समझ में आ रहा है ना, खाया दो चार रोटी खाया, बोला सर अब बस सर अब और ना होगा सर, और अमित बोल रहा सर ठीक है सर पानी तो अभी मिला ही नहीं है, पानी मिल जाता ना सर तो दो चार रोटी तो और आराम से खा सकते हैं, बेटा दस रोटी खाया फिर भी बेटा डकार मारने का नाम नहीं ले रहा, खाया तो ये भी खाया तो समझित भी, समझो समझित कम खाया डकार ज्यादा मार रहा है, और अमित बेटा ज्यादा खाया कम डकार मार रहा है, तो बता ज्यादा कैपेसिटी किसकी है, ज्यादा कैपेसिटी किसकी है, समझ में आया, ज्यादा कैपेसिटी किसकी है, ये बात सबको समझ में आ गया होगा, तो ज्यादा कैपेसिटी अमित की है। सिमिलरली मटेरियल की भी अपनी एक कैपेसिटी होती है, बहुत सारे मटेरियल ऐसे होते हैं जिनको आप हीट दोगे, हीट तो दे रहे हो लेकिन उस मटेरियल का टेम्परेचर में उतना चेंज नहीं दिख रहा है, जिस तरह से टेम्परेचर उसकी बढ़नी चाहिए थी उस तरह से उसकी टेम्परेचर नहीं बढ़ रही है, तो वैसे मटेरियल जिसको हीट तो दिया जा रहा है लेकिन टेम्परेचर में कुछ खास तरीके से बदलाव नहीं आ रहा है, आप क्या कहोगे, उनका सी हाई कहोगे या लो कहोगे, लॉजिक से बताइए, फिर आएंगे मैथमेटिक्स में, लॉजिक से बताइए, तो आप कहोगे उनका सी क्या कहोगे, हाई कहोगे, तो वैसे मटेरियल जिनका सी हाई होता है आप अगर उन्हें हीट देते हो, समझ में आ रहा है, आप उन्हें हीट देते हो तो उसके टेम्परेचर में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं दिखेगा, समझ में, टेम्परेचर बढ़ेगा जरूर लेकिन वैसा चेंज नहीं दिखेगा जैसा दिखना चाहिए था। जैसे आप इस फॉर्मूले को ही देखो, अगर आप मान लो क्यू इज इक्वल टू एमसी डेल्टी लिखते हो, ठीक है, तो एक काम करते हैं समझाने के लिए बताता हूं, हम दो मटेरियल लेते हैं, मटेरियल वन और मटेरियल टू, कुछ भी, एक में मैं ले लेता हूं पानी फील करना और एक में मैं ले लेता हूं दूध, ठीक है, फील करो सारे, मैं एक में मैंने लिया पानी और एक में मैंने ले लिया दूध, दोनों को हीट दे रहे हैं बम बम आके, दोनों का मास भी सेम, दोनों को हीट दे रहे हैं बम बम आके, सेम हीट दे रहे हैं, सेम बर्नर पे चढ़ाए हुए हैं, तो मतलब सेम हीट सप्लाई हो रहा है, तो ये क्यू तो सेम है ना, आप मास भी सेम ले चुके हो, तो बताइए जरा लॉजिक से बताइए, ज्यादा तेजी से टेम्परेचर किसका बढ़ेगा, पानी का या दूध का, वाटर का या मिल्क का, बताइए फटाफट से बताइए, किसका टेम्परेचर ज्यादा तेजी से इंक्रीज करेगा। हाँ कुछ लोग बोलेंगे सर पता हो तब तो, मैं आपको बताता हूं ज्यादा तेजी से टेम्परेचर इंक्रीज करेगा मिल्क का, क्या ये बात समझ में आया, क्या ये बात समझ में आया, मिल्क का टेम्परेचर बहुत तेजी से इंक्रीज करेगा और वाटर की टेम्परेचर उतनी तेजी से इंक्रीज नहीं करेगी, इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे एक बात तो समझ में आता है कि पानी की देखो इसका टेम्परेचर उस तरीके से इंक्रीज नहीं किया, इसका टेम्परेचर बमबमा के इंक्रीज किया और इसका टेम्परेचर उस तरीके से इंक्रीज नहीं किया, अगर आप चेक करना चाहते हो घर में एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, इससे एक बात का तो कंक्लूजन मैं लगा ही सकता हूं कि पानी की टेम्परेचर उस हिसाब से नहीं बढ़ रही है जैसी उसकी बढ़नी चाहिए थी, इससे एक बात तो क्लियर हो जाता है कि पानी का क्या कारण था कि मास भी सेम लिया हीट भी सेम दिया फिर भी इसका टेम्परेचर उस हिसाब से नहीं बढ़ा, तो इसका कारण था सी, पानी का जो सी है ज्यादा है, तो जब सी ज्यादा होगा तो डेल्टी कम होगा,
क्या ये बात समझ में आए? तो पानी की जो सी है, पानी की जो हीट कैपेसिटी है वो ज्यादा है, मतलब पानी ज्यादा हीट खाता है और कम टेम्परेचर में दिखाता है। क्या समझ में आया? पानी क्या करता है, ज्यादा हीट खाता है और टेम्परेचर में ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं लाता है। क्लियर? पानी की यही खासियत पानी को यूनिक बनाती है। मतलब मैं एक बात तो मानता हूं, नेचर का ग्रैंड सल्यूट करता हूं, क्या नेचर की इंजीनियरिंग है। पानी सही में यूनिक चीज है, आपको जान के हैरानी होता है या नहीं होता मैं नहीं कह सकता। वाटर सही में एक यूनिक चीज है, मतलब लाजवाब सी चीज है। मतलब अगर कोई मुझे पूछे कि ऊपर वाले ने सबसे खूबसूरत चीज क्या बनाई है, तो मैं यही कहूंगा पानी। क्या लाजवाब चीज है पानी। के बिहेवियर को आप जानोगे ना, दंग रह सकते हो। तो हम लोग एक दिन अलग से चर्चा करेंगे एनोमेलस बिहेवियर ऑफ वाटर, पानी के खास बिहेवियर के बारे में। ठीक है, खैर अभी हम लोग यहां पे आते हैं। तो पानी का कैपेसिटी ज्यादा है, इसीलिए पानी का टेम्परेचर में ज्यादा चेंज नहीं आता। और इसी कारण से तुम ध्यान से देखना और याद रखना, ज्यादातर मेटेरियल में हाइड्रोजन के अलावा, ठीक है, हाइड्रोजन को छोड़ दो, तो जितने भी आपके पास लिक्विड है, हाइड्रोजन समझ लो ना, लिक्विड हाइड्रोजन की मैं बात नहीं कर रहा, मतलब कोई भी मेटेरियल, उसमें पानी का सबसे ज्यादा हीट कैपेसिटी है। समझ में आया? सबसे ज्यादा हीट कैपेसिटी पानी की। आपके आजू बाजू में जितने भी चीज है उनमें सबसे ज्यादा हीट कैपेसिटी पानी की है, और यही खूबसूरती पानी को यूनिक बनाती है। क्या ये बात सबको समझ में आया? क्लियर? मर्करी की हीट कैपेसिटी बेटा बहुत कम है, समझ में आ रहा? मर्करी क्या कंडक्टर है रे बेकूफ। ठीक है, क्या पील आ गया, क्या पील आ गया। हाँ उसका मैं क्या कर सकता हूं सुशांत। क्लियर? ठीक है, तो पूरी बातें पील आ गई होगी। अब आप सोचो पानी की इसी कैपेसिटी का फायदा ज्यादातर लोग उठाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपके दिल में कोई दुख और दर्द है तो आप किससे शेयर करते हो? आप, आपके आजू बाजू में बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन आप उसी से अपनी बात बताने की कोशिश करते हो जिसकी कैपेसिटी कम है कि ज्यादा है। बताओ आप अपना दुख और दर्द किसके साथ शेयर करने की कोशिश करते हो? जरा सोचो, आपके पास दुख है कुछ, तो आप किसके साथ शेयर करने की कोशिश करते हो? जिसकी सी कम है या जिसकी सी ज्यादा है? तो जिसकी सी ज्यादा है, क्योंकि आपको पता है इसे हम कुछ भी बोलेंगे ये एब्जॉर्ब करके रख लेगा, ये किसी को जाके उगलेगा नहीं बेटा, समझो बात को, ये किसी को जाके उगलेगा नहीं। नहीं तो किसी को कुछ बोले बेटा अपना दुख दर्द बताए, बोले पूरा दुनिया जान जान गया तुम्हारा दुख दर्द, तो आप वैसे लोगों के साथ अपना चीज शेयर कर कम कर दे, है ना। हाँ जैसे आप ध्यान से देखना, आप अपने घर में अपनी मदर को इस मामले में सबसे ज्यादा सेलेक्ट करते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपकी मदर का सी, आपकी मदर का सी ज्यादा है, लेकिन सच में बताऊं आपके फादर का सी उससे भी ज्यादा होगा। ठीक है, वो अलग बात है, आप अपने फादर के साथ ये बात शेयर नहीं करते, लेकिन मैं सच बताता हूं फादर की सी मदर की सी से ज्यादा होता है। क्लियर? अब ये डिपेंड करता है कि आप कैसे नजरिए को देखते हो। क्लियर? समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अब आगे की कहानी मैं सुनाता हूं, थोड़ा सा सुनो। तो अगर आपने अपने दुख दर्द को बांटने के लिए उस मटेरियल का सिलेक्शन किया, उस इंसान का सिलेक्शन किया जिसकी सी ज्यादा है, तो जरा सोचो अगर आपको किसी चीज को ठंडा करना हो, आपको अगर कूलेंट पर्पस के लिए काम करना हो, आप किसी चीज को ठंडा करना चाहते हैं, तो किसका यूज करना चाहेंगे? जरा फील करो, किसका यूज करना चाहोगे? वाटर का। क्यों भाई? क्योंकि वाटर की सी बहुत हाई है, दैट्स व्हाई, समझ में आ रहा है ना, कूलेंट के तौर पे वाटर से बढ़िया किसी को नहीं माना जाता है। समझ रहे? क्योंकि वाटर बहुत हीट खाएगा और कम चेंज इन टेम्परेचर दिखाएगा। समझने की कोशिश करो, इसीलिए वाटर को कूलेंट के तौर पे यूज किया जाता है। आप वाटर को बहुत हीट दे दोगे तब उसका टेम्परेचर में कम चेंज आएगा। कुछ लोग बोलेंगे किसी और मटेरियल को यूज कर सकते थे, बिल्कुल आप किसी और मटेरियल को हीट देते वो भी हीट अब्सॉर्ब करता, लेकिन बेटा उसका टेम्परेचर इतना ज्यादा चेंज होता। समझो मैं क्या कहना चाहता हूं। तो वाटर इसीलिए यूज किया जाता है। क्लियर? और इतना ही नहीं, वाटर का इसी हाई होने के कारण नेचर में कुछ फेनोमेनन भी होते हैं, मैं भी शॉर्ट में बता रहा हूं, फिर आगे इसको और डेप्थ में मैं बताऊंगा। ठीक है, अगर वाटर का सी सोचो हाई नहीं होता तो क्या होता है?